हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 का पार्ट 1, आज का टॉपिक है फंक्शन। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दिख रहा होगा। फंक्शन, ये सारी चीज़ें मैं अपने इस लेक्चर में, लेक्चर 7 में कवर करूँगा अलग अलग पार्ट में। यहाँ पर हम लोग फंक्शन क्या है, फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, यानी फंक्शन इसमें वैल्यू रिटर्न कर सकता है, कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई वैल्यू, फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ओके। और ये जो स्ट्रिक्ट मोड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फंक्शन के लिए। बहुत कम स्टूडेंट ही जानते हैं कि ये भी मोड होता है पीएचपी में। और एनोनिमस फंक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कि फंक्शन का डेफिनेशन फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट सम टास्क। बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि हम एक नाम लेते हैं और उस नाम को नाम के अगल बगल, मतलब नीचे में, और ये देखिए कर्ली ब्रैकेट दे दिए, और उसके बाद उसके अंदर हम अपना कोड दे देते हैं। कुछ सिंटैक्स है आपको फॉलो करने होंगे, यानी कि पहले आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आप अपना एक लीगल नेम प्रोवाइड कर दीजिए फंक्शन का, कोई भी नेम मत दे दीजिएगा, जैसे कि आप लेटर से ही स्टार्ट करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप सेफ जोन में रहेंगे। और उसके बाद ये है उसका पैरामीटर, आप पैरामीटर में आप कोई भी वैलिड वैल्यू इसके अंदर पास कर सकते हैं, ओके। बिना पैरामीटर के भी आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और विद पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर रहा हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ, ओके। इस फाइल को सबसे पहले हम सेव करेंगे फंक्शन के नाम से। तो मैं सी ड्राइव के अंदर वैम आपका 64 के अंदर ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल पीएचपी माय एसक्यूएल के अंदर मैं इसको फंक्शन डॉट पीएचपी के नाम से सेव कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं पीएचपी का स्क्रिप्ट लिखने के लिए ये जो उसका ओपन एंड क्लोज डेलिमिटर है वो दे दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन विद एंड विदाउट पैरामीटर, ओके, विद एंड विदाउट पैरामीटर, क्लियर। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है, ओके। फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसके हेल्प से हम डिस्प्ले करना चाहते हैं हेलो पीएचपी। तो मैंने फंक्शन का नाम लग दिया मैसेज, और इसको ये हो गया फंक्शन की बॉडी। यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, कुछ भी कोड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एको हेलो पीएचपी, क्लियर। इसे हम थोड़ा ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं HTML के कोड को यूज़ करके। तो अगर मैं इसे अभी सेव करके, अब मैं अपना यहाँ पर वैम सर्वर ऑन कर दे रहा हूँ। मेरा वैम सर्वर ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है, ये चल रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है, ग्रीन कलर दिखा रहा है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट एज मैं यहाँ पे इससे पहले का ये मेरा फाइल रन किया हुआ है, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज खोला, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा, यूट्यूब ट्यूटोरियल पीएचपी माय एसक्यूएल, यहाँ पे मैंने अभी जो फंक्शन बनाया है उसका नाम है आपका, ये देखिए। अगर आप फोल्डर लिखकर वहाँ पर एंटर मार देंगे तो उस फोल्डर के जितनी भी फाइल्स होंगी वो लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे खुल जाएंगी। मुझे क्या रन कराना है, फंक्शन डॉट पी एच पी। यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि मैंने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया था, तो मुझे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेशन वाला पार्ट है। यहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे फंक्शन का नाम लिखकर इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं, कॉलिंग, ये कॉलिंग पार्ट हो गया, क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे इसे रिफ्रेश करा तो ये देखिए हेलो पीएचपी आ गया। अब इसे आप चाहें तो थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे कि बोल्ड, ये HTML टैग है, यहाँ पे आप बोल्ड को क्लोज कर दीजिए। आप इसके अंदर अंडरलाइन भी दे सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब अपना जो टैग आपको पता है HTML के बारे में, आप बेसिक टैग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। ज़्यादा ट्राई मत करिएगा नहीं तो प्रॉब्लम होने लगेगा आपको फिर। ये जैसे जैसे आप नया नया टैग सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब आप इसके संग खूब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको उतना एरर नहीं मिलेगा। तो ये मेरा देखिए स्क्रीन पे ये आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो गया, और भी इसका आप कलर वलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके फॉन्ट टैग का यूज़ करके, क्लियर। तो ये था मेरा एक फंक्शन बिना किसी पैरामीटर के। अगर मान लीजिए अब मुझे इसके अंदर जाके, बेसिकली फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या कि हमारा काम आसान हो जाए, हम किसी पर्टिकुलर कोड को एक जगह लिख कर इस फंक्शन को हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, किसी दूसरे फाइल में एक्सेस, किसी दूसरे पीएचपी फाइल के अंदर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम आगे सीखेंगे, इंक्लूड इंक्लूड
फंक्शन के हेल्प से। तो यहाँ पर मान लीजिए अब हमें इसके अंदर कोई एडिशन करनी है, तो हम यहाँ पे अपना कोई भी लॉजिकल पार्ट डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 12 डाल दिया, यहाँ पे मैंने डॉलर बी इक्वल्स टू 13 डाल दिया। अब मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे लिख दिया डॉलर ए प्लस डॉलर बी, क्लियर। तो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए मुझे वहाँ पर आउटपुट में 25 मिल रहा है। तो ये कोड को मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसे कहाँ लिखा, मैंने इसे फंक्शन के अंदर रैप कर दिया। अब इस फंक्शन को हम जितनी बार कॉल करेंगे उतना बार मुझे ये मेरा आउटपुट मिलेगा, क्लियर। तो चलिए मैंने इसको सपोज कर लीजिए ये इतने तरीके से मैंने इसको 4 बार कॉल किया। तो क्योंकि इसका फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी आर, ताकि वो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो, वर्टिकली डिस्प्ले हो मेरा आउटपुट। तो ये देखिए मुझे 25 25 25 यहाँ पर मिल गया, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि हम इस मैसेज फंक्शन को किसी लूप के अंदर कॉल कर दे तो हमें आराम से हम इस पर्टिकुलर कोड को उतनी बार रन करा सकते हैं। तो बहुत आसान है, अगर किसी फंक्शन के अंदर अपने कोड को आप लिख देते हैं तो आपका जो कोड है वो एक जगह फिक्स हो जाता है, और फिर आप उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल करके एक्सेस कर सकते हैं, उसके कोड को रन करा सकते हैं, क्लियर। तो ये था फंक्शन विदाउट पैरामीटर। अब हम लोग विद पैरामीटर देखेंगे। सपोज कर लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मुझे एडिशन करना है उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दिया एड नम, ये नंबर ऐड करता है, और इसको आप दो नंबर दे दीजिए, उन दोनों नंबर को ये ऐड कर देगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉलर N1 और N2। अब हमारा काम है यहाँ पे सीधा एको कर देना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर N1 प्लस डॉलर सॉरी डॉलर N2 डॉट, और ये मैंने यहाँ पे दे दिया बी आर। तो अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूँगा तो कॉल करते वक्त मुझे ये ध्यान देना है कि इसके अंदर मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो मैंने पास कर दिया 12,23, दो इंटीजर वैल्यू मैंने पास कर दिया। हम इसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं, दो फ्रैक्शन वैल्यू पास कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। जिस तरह का वैल्यू पास करेंगे उस तरह का ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होगा। फिलहाल स्ट्रिंग पास करने से प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्ट्रिंग जो है उसे कॉन्कैट करने के लिए हम लोग प्लस का यूज़ नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी रन करा के भी दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, वेरिएबल एन कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैंने एन ओके सॉरी यहाँ पे होगा N1, तो मैं इसे फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मुझे यहाँ पे 35 मिला। इसे हम ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं, वो आप खुद से कर लीजिएगा जैसे मैंने अभी बताया था। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 12.8 और मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मुझे रिजल्ट फ्रैक्शन में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो कोई डेटा टाइप का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से कोई भी टाइप कोई भी वैल्यू देते हैं, PHP अपने आप उस वैल्यू के हिसाब से उस वेरिएबल का डेटा टाइप जो है वो डिसाइड कर लेता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें हम लोग को टाइप देने का ज़रूरत नहीं होता है, रन टाइम उसका टाइप डिसाइड हो जाता है, मतलब कि डेटा टाइप। यूजली आप सी और सी प्लस प्लस या जावा में देखते होंगे वहाँ पर INT फ्लोट डबल अलग से हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले। तो यहाँ पे अब मान लीजिए हमने यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि स्ट्रिंग मान लीजिए आपने पास कर दिया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया PHP, ओके। तो अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ तो आपको देखिए यहाँ पे एरर मिल रहा है। इसलिए आप अभी स्ट्रिंग पढ़ाया नहीं है मैंने आप लोगों को, तो अभी स्ट्रिंग को यहाँ से हम इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं अभी 12 और 23 पास कर दिया। चलिए इसका कुछ और मज़ेदार चीज़ समझते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसका नाम मैंने दे दिया प्रोडक्ट। तो वो क्या करेगा, वो दो नंबर का प्रोडक्ट निकालेगा। तो ये है मेरा प्रोडक्ट, PROTUCT प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में यहाँ पर मैं इसका ऑपरेटर चेंज करके इनटू कर देता हूँ। अब यानी कि मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे प्रोडक्ट भी मिलेगा रिजल्ट में। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट नम, और यहाँ पे हम पास कर दे रहे हैं 12,10, क्लियर। तो इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, तो अगर मैं ये कॉलिंग वाला पोर्शन हटा दूंगा तो इस फंक्शन को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी फंक्शन को तो आपको उसे डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो यानी कि डेफिनेशन एंड कॉलिंग दोनों ही आपको करना है अपने PHP प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसे आप देखिए इसका कितना सारा बेनिफिट है, अगर आप चाहें तो इस फंक्शन को किसी लूप के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको एक लूप के अंदर कॉल कर दिया और मैंने लूप को चला दिया आई इक्वल्स टू 1 डॉलर आई सॉरी आई लेस देन एन इक्वल्स टू 10 डॉलर आई प्लस प्लस। अब मैं इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया डॉलर आई
कॉमा डॉलर आई प्लस टू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम एड नम फंक्शन को 10 बार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये लूप 10 बार चलेगा, तो 10 बार मेरा फंक्शन कॉल होगा ना। और 10 बार कॉल होने का मतलब क्या है, ये जो मैंने एड नम को डिफाइन किया है ये 10 टाइम्स रन करेगा, यानी 10 टाइम्स एडिशन आएगा और मुझे 10 टाइम्स यहाँ पे रिजल्ट भी मिलेगा। क्लियर? तो ये काम कैसे कर रहा है एक बार समझ लीजिए इसको। देखिए, जब ये लूप चलेगा तो आई का वैल्यू 1 है और ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, डॉलर आई का वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पे 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो इसके अंदर एग्जैक्टली पास क्या हो रहा है, 1,3। तो वो जो 1,3 है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, मतलब 1,3, यानी n1 का वैल्यू क्या है अभी, 1 है, और n2 का वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये 1 और 2 दोनों ऐड होगा, 1 और 3 दोनों ऐड होगा, तो मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से जब फिर वापस हम इसी लूप के अंदर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा मत समझिएगा कि एक बार ये कॉल हो गया तो आप लूप से बाहर निकल जाएंगे और ये वाला फंक्शन रन कर जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा तब तक हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल नहीं होगा। क्लियर? तो मैं इसे एक बार रन करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिला, 4, 6, 10। 4 क्यों मिला, वो पहला वाला कॉलिंग में क्योंकि 1,3 पास हुआ था, दूसरा वाला कॉलिंग में यहाँ पे क्या पास हुआ है, 2,4, इसलिए मुझे वहाँ पे 6 मिला है। और प्रोडक्ट जो है वो, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट वाला आउटपुट है, तो हम इसे कोट्स में डाल दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं H1, और इधर में डाल देते हैं H1। क्लियर? इसका आउटपुट थोड़ा डिफरेंट होगा, पर यहाँ पे मुझे डॉट मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरा 120 आया है। तो इस तरीके से आप फंक्शन, अपना खुद का एक फंक्शन बना सकते हैं, और उस फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार आप कॉल कर सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, या फॉर ईच लूप के अंदर। तो इससे आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। फंक्शन के ऊपर सिर्फ इतना ही लेक्चर समझ जाने से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। आप जो मेरा ये प्लेलिस्ट है, ये जो सीरीज़ है, इसके साथ बने रहिए, क्योंकि इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सारे वीडियोस देखिएगा, वीडियोस जब मेरा फंक्शन का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक दो प्रोग्राम्स कराऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो के ऊपर ज़रूर लाइक मारिएगा, कुछ कमेंट करिए। अगर आपको प्रोग्राम से कोई क्वेरी है, अगर जुड़ी हुई कोई क्वेरी आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।